जय हिंद भाई सभी को। वैसे ये वीडियो क्या बना रहा हूँ इनको भी नहीं पता है, इनको बस ऐसे ही खड़ा किया हूँ मैं अभी। ये सारे के सारे बिहार गए हैं, ठीक है, बिहार के जवान है। अभी बिहार पुलिस की तैयारी करेंगे और उसके बाद में तैयारी करेंगे दिल्ली पुलिस की, और उसके बाद में तैयारी करेंगे एसएससी जीडी की, ठीक है। ये हमारे जो गारंटी बैच है उसके सिपाही है सारे के सारे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, और अभी भी एक बच्चा आया था जस्ट, एक बिहार से भी जो बाहर जो एडमिशन हुआ था अभी मॉर्निंग में, हाँ वो बिहार का है। कौन सी जगह का है? हाँ, उन्होंने एक बात कही थी, इसलिए मैं सोचा अभी मौका है, मैं उनको जवाब भी दे देता हूँ उनकी उस बात का और सबका। उन्होंने बोला सर आपके प्रति पता नहीं इतने नेगेटिव हो रखे हैं। बोला जब हम यहाँ आ रहे थे तो बोला वो तो धंधा चला रहा है, वो तो ये कर रहा है, वो तो वो कर रहा है। बोला बाकी अकेडमियां चल रही है हिंदुस्तान में, सब प्राइवेट स्कूलें चल रही है, इतनी प्राइवेट बिजनेस चल रहे हैं, आपसे पता नहीं क्या एलर्जी है ना, नहीं है तुमको? अच्छा ये बोले बोले नहीं, तुम जाते तो बोलते तो है ना मेरे बारे में? नहीं सर, नहीं सर, बाहर से जो बोलते बोलते जो यहाँ पा जाते सर आपसे प्रेम हो जाता है। नहीं, बाहर बोलते हैं कि बोलते लगा हो जाता है आपसे। मेरे गांव में आपके बारे में कोई नेगेटिव थिंक नहीं है। अच्छा, ये अच्छी बात है। मतलब बहुत सारे उन्होंने बोला तो मैंने ये कहा कि मतलब पहले बात तो ये कि धंधा अगर चला रहा हूं मैं, ऑब्वियसली बिजनेस है, मैं तो खुद बोलता हूँ, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि अकेडमी एक बिजनेस कैटेगरी में ही आता है, बिजनेस ही है, लेकिन एक अच्छा बिजनेस है जिसके माध्यम से हम बच्चों की जिंदगियां बनाते हैं। अगर अकेडमी से प्रॉब्लम है तो आपको प्राइवेट स्कूल से भी तो प्रॉब्लम होनी चाहिए, और हिंदुस्तान में जितने भी प्राइवेट बिजनेस चल रहे हैं उन सबसे प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर मैं एक फौजी फौज में रह के 5 साल सर्विस करके आके अपनी मर्जी से अगर अकेडमी रन कर रहा हूं या अकेडमी चला रहा हूं तो इसमें प्रॉब्लम वाली कौन सी बात है? मैं ऐसा इंसान तो नहीं हूं ना जो फौज में लगा नहीं तो आप बोल सकते थे खुद तो कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, बच्चे क्या तैयार करेगा, तब तो आपके पास में एक पॉइंट हो सकता है। लेकिन मैं तो जिसकी तैयारी कर रहा हूं उसमें पहले लगाऊं, मैं उसी की तैयारी कराता हूं, मैं कोई उसी के स्टूडेंट लेता हूं जिनकी मैं तैयारी करा सकता हूं, उसे ज्यादा लालच भी नहीं करता। नहीं तो मेरा जितना बड़ा नाम है ना, मैं अभी एनडीए का बेस शुरू नहीं किया जबकि मेरे पास में हर रोज कम से कम 4-4, 5-5 इंक्वायरी आती है एनडीए के लिए, लेकिन मेरे को उसका ज्यादा नॉलेज नहीं, इसलिए मैंने किया भी नहीं शुरू कि मैं एनडीए का बेस नहीं चलाता। जो बेस चलाता हूं उसका मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है, वही बेस चलाता हूं मैं अकेडमी में। तो पता नहीं क्यों इस प्रकार की क्यूरियोसिटी है, ये बच्चे काफी समय से रह रहे हैं, इनसे रिव्यू लेता हूं और इनका ये नहीं कि यहां बता देंगे आप, मेरे बच्चे हर संडे को कम से कम 10-12 बच्चे कुचामन शहर में मिल जाएंगे, संडे या सैटरडे को जाते हैं स्वतंत्र, किसी अकेडमी में से ऐसा परमिशन होती नहीं है, हमारे बच्चे जाते हैं, हेयर कटिंग भी ये बाहर करा के आते हैं। कभी बाहर भी मिलो तो पूछ लेना, और कभी रस्ते में मिलो, बाहर से ओपिनियन नहीं, जो मेरे को जानता नहीं वो कुछ भी बोल सकता है, जो मेरे को जानता हो फिर बुराई कर दे तो उसकी मान लीजिएगा। सही बात बोल रहे हैं? अब कितने दिनों के प्रभु? 8.5 महीने। 8.5 महीने बड़े तैयारी होती कि नहीं? बहुत अच्छा से तैयारी होती। जब हम यहाँ आते तो हमको कुछ नहीं आता था, और यहाँ आए धीरे 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 अभी प्रोग्रेस में है। और पढ़ाई होती नहीं होती? दबा अच्छा पढ़ाई होती है। खाने पीने की भी मैं अक्सर वीडियो डालता हूँ, बोलते हैं खाने पीने की बहुत वीडियो डालते हैं। अरे हॉस्टल में जो सबसे दुखी बच्चे होते हैं ना वो किससे होते हैं? खाने पीने से। और मैं इन ये सामने खड़े मैं बता देता हूँ, अगर मैं 3 दिन अकेडमी में नहीं रहूँ ना तो ये भी दुखी हो जाते हैं। सही है कि नहीं है? मतलब खाना पीना इसलिए क्योंकि इनको साल भर 1.5 साल 2 साल यहाँ रहना, अगर खाना पीना अच्छा नहीं मिलेगा तो रह लेगा कोई बच्चा? सबसे बड़ी बात है यहाँ सर, मतलब कोई भी अकेडमी डायरेक्टर जो होता है नहीं रहता, मतलब 5 दिन 6 दिन गायब ही रहता, लेकिन सर की बात है मतलब सर प्रतिदिन आप यहाँ प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, मतलब 300 के बीच में रहते सर हमेशा। 365 दिन में इनकी छुट्टियां ज्यादा हो सकती है अकेडमी में, मेरी नहीं है। सही बात। अगर गिनेंगे प्रोजेक्ट भी तो मेरी महीने में 30 के 30 दिन मिलेगी, ऐसा दिन बहुत रेयर केस में होता है, कोई पारिवारिक काम हो जाता है या कुछ ऐसा काम हो जाता है तो मैं 1-2 दिन के लिए हो सकता है आउट हूँ, बाकी नहीं हो सकता। अगर मैं 3 दिन के लिए बाहर जाऊँ तो वापस आता हूँ तो इनके सबके मुंह ऐसे रहते हैं उतरे हुए सर रोटी अच्छी नहीं मिल रही थी, वो रोटी सही से नहीं बांट रहा था, वो ऐसे नहीं हो रहा था। ये हर बार जब भी मैं बाहर जाके आता हूँ तो पहले पूछता हूँ अरे खाना अच्छा मिला? सबका ना ही रहता मुंह पे, पहले ना मामला बैठ गया था नीचे। ये वास्तविकता है कि नहीं है? ये नहीं, इसीलिए हॉस्टल के बताते हैं। कितने दिन हो गए? 1 साल 3 दिन। 1 साल 3 दिन से रह रहा है, और इसकी अपसेट भी मेरे ख्याल से 5-10-20 दिन की होगी। यस सर। और जब आया था ना तब ये बिल्कुल 0 लेवल पे था। यस सर। था पूरा 0 लेवल, पूरी यही तैयारी की है, यहीं से शुरू की है, और यहीं से नौकरी लगा के भेजेंगे, जिस दिन लगेगा उस दिन ये वीडियो वापस उठा लेना।
ठीक है, तो हम जो तैयारी कराते हैं ना, कहने का मतलब, तो आप पता नहीं क्यों नेगेटिव बोलते हैं, मेरे को खुद को समझ में नहीं आता भाई हमने तुमका कौन सा लेके खा लिया है। अकेडमी इसलिए रन कराते हैं, हमारे पास में वो बच्चे आते हैं जिसको कुछ भी नहीं आता है, जिसको इसे बोलते हैं कि पहाड़े तक नहीं आते हैं, वो बच्चे आते हैं। अगर आपको चेक करना है तो पिछले 7 दिन में जितने एडमिशन हुए हैं, शाम को मैं उनका वीडियो बढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा उनको क्या आता है। वो ये भी नहीं बता पाएंगे द्रौपदी मुर्मू कौन है। पुरुष या महिला वाला क्वेश्चन पूछा था, क्या बताया था? पुरुष बताया था। बताया था यस सर। वहां एक बार पूछे थे आंध्र प्रदेश कहां है, लड़का बोला अमेरिका में। मतलब मैंने पूछा आंध्र प्रदेश कहां है, तो बोला अमेरिका में। और वो बच्चा भी पेपर पास है कि नहीं है? या इस बार पास है, आर्मी का पास किया है। सो रनिंग, वो आर्मी का पेपर पास है, रनिंग पास है, यानी उसको तैयार करते हैं। अगर कोई माँ बाप जिनके बच्चे मेरे पास में रहे, अगर वो कोई बुराई करे मेरे बारे में, तो मैं मान सकता हूं। या कोई बच्चा जो मेरे पास में अगर 6 महीना रह लिया, साल भर रह लिया, 2 साल रह लिया, बुराई नहीं कर सकता मेरी, भले उसकी चमड़ी उधेड़ दूं फिर भी बुराई नहीं कर सकता, ये गारंटी है मेरी। अब लोग उसको जैसे भी बोले तो बोले सर पता नहीं इतना कुछ चल रहा है, आपके बारे में नेगेटिव क्यों बोलते हैं। हाँ नहीं, वास्तविकता भी है ना, मैंने कमेंट बॉक्स में भी देखता हूं, जबकि नकारात्मक मैं ये बोलता हूँ कि वो नेगेटिव बोलते, इसीलिए तो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। नहीं तो आप सोचो 2 साल में 10 मिलियन की फॉलोइंग ऐसे थोड़ा ना हो जाती है। लोग मेरे पीछे पड़े थे, अरे विराट चौधरी यार वोर वोर जय, ये झाई चेक हो गया, मामला पूरा ऊपर उठ गया। जब आपके दुश्मन ज्यादा होते हैं ना तो तरक्की बहुत ऊपर होती है, जब दुश्मन दमदार होते हैं ना तब मजा आता है फाइट करने का। और जो मेरे खिलाफ बोल रहे थे ना उनके सामान पैक हो गए हैं, वो अकेडमी अस्तित्व में ही नहीं है। जब दिल्ली आंदोलन में जो हमारे विपक्ष वाला मामला था ना, उनकी अकेडमी ही बंद हो गई है। एक दो तो हमारे उधर का ही था पड़ोसी, वो बंद हो गया, मजदूरी पे जाता है अब। वो अब नरेगा के वीडियो बनाता है कि यहाँ पर ये चल रही है वर्कर लेबर वो लॉगिंग। हाँ, और उसमें भी उसको भी 4 लोग देखते हैं, 5वां नहीं देखते हैं। तो यानी जिस, क्योंकि मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, दूसरे की बुराई करने पर नहीं। मेरे बारे में लोग कुछ भी बोले, मैंने एक शुरू में एक वीडियो बनाया था, इनको बच्चों को बताओ, मैं इनको बार बार बोलता हूँ, जो मेरा पहला वीडियो था उस पर डिसलाइक 5,000 थे और लाइक 2,500 थे पहले ही वीडियो पे। डिसलाइक कितने थे? 5,000। क्यों? सच्चाई सुननी पसंद नहीं होती लोगों के, हजम नहीं होती सच्चाई। और अभी भी यही हो रहा है, जो मेरे बारे में नेगेटिव बोलते हैं, जो मुझे जानते भी नहीं है, सेम मुझे बात मेरे यहाँ पे फोर्स साहब कोच है, वो भी बोल रहे थे, उनके वो किसी शादी में गए तो उनको किसी ने बोला, बोला अरे वो तो ऐसे ही है, ऐसे हवा में चलता है। तो उन्होंने फोर्स साहब ने बोला अरे ऐसे तुम करके दिखाओ ना भाई, कैसे गलत बोल रहे हो तुम, मुझसे मिले हो कभी? बोला नहीं। तो फिर बोला गलत कैसे बोल रहे हो तुम? मैं खुद बोला उनके पास में नौकरी कर रहा हूँ, बोला 3 महीने से, आज तक मैंने नहीं देखा बोला ऐसा डायरेक्टर जो खुद इतना काम करता हो, खुद ग्राउंड कराता हो, बच्चों को हर चीज पे ध्यान देता हो और पूरे दिन वहां बैठा रहता हो, हमने तो नहीं देखा बोला। तो फिर भी नेगेटिव बोलता जा रहा है, बोला नहीं जी देखा नहीं लेकिन लगता है वीडियो से। अरे वीडियो से क्या, वीडियो ओरिजिनल आते हैं, किसी भी बच्चों को नहीं बोलते कि आप मुझसे ये बोलना ये बोलना। अभी ये वीडियो शुरू किया है, इनको नहीं पता था क्या वीडियो है, नहीं पता था ना? नहीं सर, इनको नहीं पता, मैं तो ऐसे लेके आया था सुबह, मैंने सुना था। तो नेगेटिव बोलने से, अगर आप देखो लोग कुछ भी बोलेंगे मेरे बारे में या अकेडमी के बारे में, आप रिजल्ट पे फोकस करो। 67 में से 64 लड़के पास आर्मी के, यस है कि नहीं है? बिहार के 9 लड़के 9 के 9 पास, एमपी के 11 थे उसमें से 10 पास, राजस्थान के 17 पास, गुजरात का स्पेशली गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और अपना बाड़मेर, गंगानगर, यहाँ के लड़कों की तो गारंटी लेता हूँ मैं 100% नौकरी, क्योंकि ये तो है राजस्थान के बॉर्डर एरिया और वो है राज्य जहां पर मेरिट लो रहती है, वहां का तो कोई बच्चा आ गया ना जिसको कुछ भी नहीं आता। अब ये सारे के सारे बिहार से हैं, बिहार की कटो पता कितनी जाती है, जनरल का 118 के आसपास मतलब। और वही गुजरात का कहां जाता है 50, यानी 118 कहां, इनको नौकरी लगा सकते हैं। तो उन बच्चों में तो कोई नींद में से उठ के भी आ जाएगा ना, वो भी एक साल में नौकरी करके जाएगा, ये गारंटी है मेरी। पश्चिम बंगाल गवर्नर का पास भी क्या, रनिंग पास अभी उनका सारा कुछ हो गया, पश्चिम बंगाल से 2 लड़का है उनका सारा कुछ हो गया। एक अपने पास में जस्सू करता जो बहुत फेमस था, उसका सारा कुछ पास है, बीकानेर से है वो।
तो कहने मतलब जो भी लोग बोलते हैं उनको आपको डिनाई करनी पड़ेगी, मेरे बारे में बोलते रहते हैं तो आप केवल उनकी सुन के नहीं आना। एक चीज और बता दूं, कुचामन में मेरी जो अकेडमी है उसका एक भी पोस्टर या एक भी बोर्ड नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी मार्केटिंग है कहीं बोर्ड लगा रखा अपन ने। हम भी शुरू में आए थे तो हम रेलवे स्टेशन के पास देख रहे थे सर जी का बोर्ड है कि नहीं है, देखिए ये भी बोर्ड नहीं है, स्टेशन के पास बहुत बोर्ड लगा है। आदमी था उससे पूछे, बोला हम नहीं जानते, फिर टेम्पो बोला हाँ हम जानते हैं, तब लेकर आए। मतलब अभी तक मैंने कोई भी बोर्ड और कुछ नहीं लगा रखे, इसलिए क्योंकि परिणाम देने की क्षमता रखता हूँ, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बोर्ड लगा के 100 बच्चे और इकट्ठे कर लूँ, 200 और इकट्ठे कर लूँ। हमारे पास में जितनी बिल्डिंग है वो फुल है और हमेशा फुल ही रहेंगे, कोई बोर्ड नहीं कुछ नहीं। ये आते अभी भी मार्केट में और जब भी जाते हैं, कितने भी लोग मिलते हैं इनसे, ये खुद अपना जेन्युइन रिव्यू देते हैं। मान लो अभी तो मेरे सामने खड़े हैं, जबकि मार्केट के लिए भी हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार तो जाता हर बच्चा अपने पर्सनल निजी काम के कारण। तो जब मार्केट में भी रिव्यू है ना, वो भी आप ले सकते हो इनसे कि किस प्रकार का रिव्यू देते हैं। वो हमारे सिखाया हुआ थोड़ा ना बोल देगा वो मार्केट में जाके कि नहीं बहुत अच्छी है जी, है। जबकि मेरे को जब मार्केट के लोग मिलते हैं ना, तो ये इसीलिए मेरी सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं कि बोलते हैं आपके जो भी बच्चा आता है ना बहुत तारीफ करता। बोला ऐसे तारीफ नहीं कर निकलती भाई, अकेडमी में एक एक साल हो गए इनको, हॉस्टल का खाना खा खा के चमड़ी और की इतनी जाडी, घर पे जाके थक जाएगा या नहीं थकेगा? मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी मेरे बारे में जो बुराई करनी है ना, मतलब कि आप बुराई से मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कई बार होता है कि आपको ये लगता है कि साला बुराई कर क्यों रहा है, मैं कोई अकेला ही बिजनेस थोड़ा ना कर रहा हूँ। और मैं मतलब अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो फायदा ये नहीं, इस टैक्स मतलब एक अच्छा टैक्स पे करता हूँ मैं गवर्नमेंट को ईमानदारी से, तो देश तो आगे बढ़ ही रहा है, मैं तो अपने देश में भूमिका निभा रहा हूँ। और अच्छा बिजनेस करता हूँ, दारू का ठेका थोड़ा ना खोल रखा है जो बुरा बिजनेस है। और इनको तैयारी कराने की जरूरत है, अगर तैयारी कराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बोलते हैं अरे मोबाइल से पढ़ लो, अरे ये वो है जो जूत ठोकने पे नहीं पढ़ रहे, मोबाइल इनको दे दोगे तो हो जाएंगे बर्बाद। मोबाइल से पढ़ने वाले पूत आते ही नहीं मेरे पास में, मेरे पास तो मोबाइल से गेम खेलने वाले आते हैं, पबजी वाले बोलते हैं सर ये तो मोबाइल से भी पढ़ लेंगे, आप इतनी फीस क्यों लेते हो? अरे प्रभु ये मोबाइल से तो छोड़ो, इनके मतलब की चमड़ी लाल होती है ना तब पढ़ते हैं, मोबाइल से सवाल ही पैदा नहीं हो कि पढ़ ले। कैसी कैसी हस्तियां आती है यहाँ, वो पढ़ लेगी मोबाइल से? कितनी भारी भारी हस्तियां आती है यहाँ पढ़ने आते, वो उनको लगता है मोबाइल से पढ़ लेंगे वो? मोबाइल तो छोड़ो, उनको ऐसे बोल देना 1 किलो सोना पड़ा एक साइड में तुम्हारा मोबाइल, बताओ क्या लेंगे? बोलेंगे मोबाइल लेंगे बेसाख, सोने को फेंक दो। बोला उनको मैं तैयार करता हूँ और मेरे को बहुत मजा आता है उनको तैयार करने में भी, और इसीलिए पूरे दिन मैं अकेडमी में रहता हूँ, कहीं बाहर इधर उधर घूमता फिरता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को मजा आता है। अभी ये यहाँ है अकेडमी के पास में, ऑनलाइन वाला सेटअप है, इसको भी यहाँ बुलाया, तो इसीलिए इनके साथ भी मेरे को भी तीसरा घंटा है, लगभग 3 घंटे होने जा रहे, क्योंकि मेरे को बच्चों के साथ में रहकर भी अच्छा लगता है, उनको मोटिवेट करके भी अच्छा लगता है। और कल को ये नौकरी लगेंगे, धीरे धीरे रे मनार धीरे सब कुछ हो, मालिक सिंचे सो गड़ा ऋतु आए फल हो। वो अभी 2 साल हुए मेरी अकेडमी को, कितने साल हुए? 2 साल। और 2 साल में इन्होंने पिछले 1 साल में 1 भर्ती देखी। रुको इंतजार करो, एक दिन लाइन लगा देंगे, वक्त आने दो और वैकेंसियां भी आने दो, लाइन लगा देंगे। जितनी वैकेंसियां हुई है आज तक कोई खाली नहीं की हमारे यहाँ से, लगाई है और आगे भी लगते रहेंगे। तो नकारात्मक आप बोलते हो तो थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो, बाकी आप अगर फिर भी बोलते हो तो बोलते रहो, मैं तो कमेंट देखता नहीं। मेरे को टाइम है कमेंट देखने का नहीं, मेरे को शाम को टाइम मिलता है, उसमें हम क्रिकेट में बिजी रहते हैं। पिछले 1.5 महीने 2 महीने से हमने 4-5 बेट तोड़ दिए हैं, बॉल तोड़ दिए अभी। और हाँ अभी जस्ट पिछले संडे को हम टाइमिंग निकालने गए थे, वहां पे 105 रन भी ठोके मैंने, शतक भी बनाया रिसेंटली, शतक भी बनाया। तुम्हें से तोड़ना गया था उस दिन कोई नहीं, वो कोई सर बोल रहे थे। हाँ सर 105 रन ठोके मैंने उस मैच में, तो वो भी रिसेंटली। तो कहने मतलब मैं ज्यादा लोड नहीं लेता, अगर तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो तो करते रहो। जय हिंद जय भारत।